तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में लेके आए हैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 9.4 जो क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से है। सवाल बहुत ही लॉजिकल है, सवाल थ्योरी की तरह है, समझने वाला सवाल है। कहता है सवाल में कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं, अगर सभी बॉन्ड से मोनोडेंटेट लिगेंड या यूनिडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हों तो उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में प्यारे बच्चों क्या होता है कि अगर आपको जैसे सिस ट्रांस वगैरह पढ़ते हो कि अगर हम कि उसके बॉन्ड्स की ओरिएंटेशन बदलते हैं और बदलने के बाद अगर स्टेडियो में कोई परिवर्तन होती है, यानी स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है वो अगर डिफरेंट टाइप की अगर पॉसिबल हो जाए तो वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर हम लोगों को बॉन्ड के ओरिएंटेशन बदलने के बावजूद भी अगर कोई भी प्रकार का नया केस पॉसिबल नहीं हो पाए, नया स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं हो पाए, तो वहां पर हम कहेंगे कि उसकी जो आइसोमर्स है, स्टेरियोमर्स, वो पॉसिबल नहीं होंगे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है कि यहां पर चार बॉन्ड होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चार बॉन्ड होते हैं, जो चार बॉन्ड एकदम इक्वल एंगल पर यहां पर रहते हैं और हर एक एंगल यहां 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, यहां पर सवाल में कह रहा है कि हम लोग को दो डिफरेंट टाइप के यूनिडेंटेट लिगेंड लेने हैं, यानी ऐसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी वन हो, यानी कि जो एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहे हो। ये पॉइंट जो है ये सेंट्रल मेटल आयन है, CMI है, यहां पर ये सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मान लीजिए यहां पर ए, हमारे पास दो प्रकार के यहां पर ए लिगेंड्स है और दो लिगेंड्स हमारे पास बी है। ठीक है, अब जरा आप लोग सोचो, यहां पर सभी एंगल जो है अंदर के वो है 109 डिग्री 28 मिनट है, इक्वल एंगल है। अब इक्वल एंगल है तो यहां पर क्या होगा कि कोई भी हम इस बॉन्ड को मान लो रोटेट कर ले, फ्लिप कर दे यहां से, तो फ्लिप कर देंगे तो यहां पर क्या होगा, मान लो इसी दोनों को हम फ्लिप कर रहे हैं, ये वाला दोनों बॉन्ड को हम फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लिप करने से क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेंगे बिल्कुल यहां पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बी, मान लीजिए यहां चला आएगा, ए यहां आ जाएगा, फिर ये बी और ये ए यहां पर ही रहेगा। अभी भी क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल ये दोनों बी के बीच का एंगल भी कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट ही है। आप ये मत समझना बाबू कि यहां पर एक लीनियर में है तो 180 डिग्री एंगल बन गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये बी पीछे की ओर निकला हुआ है। ठीक है ना, तो टेट्राहेड्रल की यही खासियत होती है कि सारे बॉन्ड के बीच का एंगल जो है ना वो फिक्स रहता है, इतना ही एंगल होता है, और आप इसमें कितना भी ओरिएंटेशन क्यों ना बदल दे, यहां पर आप इसको फ्लिप कितनी बार क्यों ना कर ले, किसी के बीच का एंगल कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, और इसीलिए यहां पर कोई नया केस पॉसिबल नहीं हुआ। ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, सेम बनते हैं, कोई न्यू स्ट्रक्चर यहां पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर की बात करें, यही चार बॉन्ड हो बट स्क्वायर प्लेनर में, जैसे यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हम dsp2 की बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहीं पर हमारे पास दो तरह के लिगेंड्स होते हैं ए बी यहां पर होता, तो यहां पर दोनों क्या है, यहां पर अगर मान लीजिए ए बी यहां पर कर लेते हैं, हम बी कर लेते हैं और यहां पर ए कर लेते हैं। ठीक है, और इस बार इसको फ्लिप कर देते हैं, यहां पर देख सकते हैं ये स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्री यहां पर ले रहा है, स्क्वायर प्लेनर यहां पर है और स्क्वायर प्लेनर में यहां पर बी जो है वो अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस साइड में बन गया, और यही यहां पर हमारे पास अगर बात कर ले, यहां पर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए, ठीक है, यहाँ पर दोनों बी यहाँ पर हो, इस वाले बॉन्ड को फ्लिप कर दें, दोनों बी इस तरह लगा, दोनों ए यहाँ आ जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पर इस बार प्लेन के एक ओर हमारे पास बी चले गए हैं और दूसरी ओर हमारे पास ए आ गया है, तो यहाँ पर ये वाला पोजिशन जो है ये सिस पोजिशन में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब स्क्वायर प्लेनर में अगर रहता, यही चार बॉन्ड रहता, मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ दो टाइप का लिगेंड यहाँ पर होता, तो यहाँ पर दो पॉसिबल ज्योमेट्री यहाँ पर बन रही है, जबकि टेट्राहेड्रल में कोई भी ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल में इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्वली एंगल पर, इक्वल एंगल पर टेट्राहेड्रॉन के हर एक साइड पर लिगेंड्स जुड़ा हुआ रहता है, और टेट्राहेड्रॉन के कितने भी बॉन्ड्स को फ्लिप क्यों ना कर दे, टेट्राहेड्रॉन ही रहता है, वो नया कोई ज्योमेट्री लेकर के नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहां आंसर में लिखेंगे इस तरह से, टेट्राहेड्रॉन, या ऐसे लिखेंगे, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बॉन्ड एंगल
बिटवीन ईच बॉन्ड्स इज इक्वल दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट. सो नो न्यू फॉर्म्स आर पॉसिबल बाय फ्लिपिंग एनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स. सो देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स GI पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्पाउंड्स. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन यहां पर दिए. आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्पाउंड्स में क्यों पॉसिबल नहीं होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ठीक है, और अदरवाइज अदर कंपाउंड्स की बात करें तो वहाँ पॉसिबल होते थे लेकिन टेट्राहेड्रल में नहीं हो रहे हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो ऐसे ही बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करना है. ठीक है, और बस अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखें. मिलते हैं अगले वीडियो में.